झाबुआ उपचुनाव को कांग्रेस बहुत ही गंभीरता से ले रही है। 1993 में दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले तत्कालीन प्रदेश महामंत्री महेश जोशी ने दिग्विजय सिंह की ओर से चुनाव अभियान की कमान संभाल ली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बैठकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी और संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्र प्रभाष शेखर भी चुनाव को मॉनिटरिंग करेंगे और खबरों के अनुसार झाबुआ के मतांतरित क्रिस्टो ट्राइबल वोट के लिए जेवियर मेड़ा के अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया सेल की सह संयोजक शोभा ओझा की भी जवाबदारी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जज गोवर्धन लाल ओझा की बहू शोभा ओझा मायके से कैथोलिक है। उन्होंने सुरेश पचौरी के मार्गदर्शन में छात्र राजनीति करने वाले अनिल ओझा से विवाह किया है। अनिल ओझा लंबे समय से राजनीति से दूर है। तेज तर्रार शोभा ओझा को बेहतरीन कम्युनिकेटर माना जाता है। वो महिला मतदाताओं में बहुत जल्दी पेठ बना लेती है और यही वजह है कि उन्हें इस चीज की कमान सौंपी जा रही है। कांग्रेस के एक जिला पदाधिकारी ने कहा कि इसमें कुछ भी चौंकाने जैसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने झाबुआ के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और उसमें भी शोभा ओझा का नाम दिया हुआ है। लेकिन झाबुआ के मामले में वो किसी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री ने चुनाव संचालन में मैदानी कमान पहले ही दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक और प्रदेश सरकार में जल संसाधन नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को दी हुई है। लेकिन पर्दे के पीछे से चुनाव अभियान के वास्तविक सूत्र 81 वर्षीय महेश जोशी संभाल रहे हैं और वो दिग्विजय सिंह का चुनावी मैदान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.